चलो बताओ, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर रेशियो में हम कुछ भी मल्टीप्लाई या डिवाइड कर दें, रेशियो चेंज नहीं होगा। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी, अगर ए बराबर सी बराबर डी है तो क्या होगा, ए प्लस सी अपॉन बराबर क्या होगा, के क्या है ऑलरेडी कांस्टेंट है, मतलब क्या है, या तो ए ए अपॉन बी, अगर मतलब कुल मिला के ये है। ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी बराबर क्या है, तो ए प्लस सी अपॉन, इसका रिवर्स भी होता, अगर ये बराबर के है और दिस इज इक्वल्स टू, देन ए अपॉन बी बराबर, ठीक है, आया समझ में। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, हाँ एक जन कोई बोलो, ए तो वो तो यही वाली हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी क्या पड़ी थी, देखो खोल के क्या पड़ी है, ये नहीं है थर्ड, तो फिर सेकंड वाली क्या थी, हाँ 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 तो इसको ऐसे समय पे रेशियो कैसे निकालते हैं ना, जब हमारा ये 2a बराबर 3b बराबर 5c दिया हो, ठीक है, इसको छुपाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इसको छुपाओ, ठीक है, आया समझ में, ठीक है। अब तो मतलब ये हम कुल मिला के पांच प्रॉपर्टी देख चुके थे, अब हम और प्रॉपर्टी देखते हैं ना, तो हम प्रॉपर्टी नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 पे कुछ एक टर्म होता है, क्या कॉम्पोनेंडो, ठीक है, और एक टर्म क्या होता है डिविडेंडो, आया समझ में, दो टर्म होते हैं हमारे पास, क्या होता है कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो, ठीक है। तो कॉम्पोनेंडो ये कहता है कि अगर मेरा a बराबर a अपॉन b बराबर क्या है c अपॉन, तो यहां से a प्लस c अपॉन b बराबर c प्लस d अपॉन d होगा, आया समझ में, ठीक है। ये किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड है, देखा जाए तो प्रॉपर्टी नंबर सेकंड जो हमने पढ़ी थी, क्या थी वो, अगर a अपॉन b इक्वल c अपॉन d, तो यहां पे क्या हो रहा है कि भैया सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, ठीक है, पर्दा खोल ले, ठीक है, किसको ऐड कर रहे हैं, सिर्फ यहां पे न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं, आया समझ में। उसमें क्या कर रहे थे कि यहां पे इसके साथ इसको, इसके साथ इसको कर रहे थे, ये भी बराबर हो रहा था, लेकिन ये क्या है कॉम्पोनेंडो, इसमें क्या होगा, सिर्फ इस रेशियो में दिस प्लस दिस अपॉन जो था, इसका उल्टा भी कह सकते हो, क्या ए, सॉरी ये मैंने ए प्लस सी लिख दिया, इसका ए प्लस बी होगा, ठीक है, और उल्टा भी कह सकते हो, यहां पे क्या ए अपॉन ए प्लस बी बराबर क्या सी अपॉन सी प्लस डी, ये दोनों सिचुएशन में सही होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर हमको बस ध्यान में क्या रखना है कि इन दोनों का जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, कैसे, जैसे अगर मैं ए अपॉन बी मतलब 1/2 ले लूं बराबर क्या है 2/4, ये भी सेम रेशियो मेंटेन कर रहा है, 1/2 कर रहा है। अब देखो यहां पे ए प्लस बी क्या हो जाएगा,
थ्री अपॉन बी, मतलब ये क्या होगा टू, बराबर यहां पे ये क्या होगा सिक्स अपॉन फोर। देखो सिक्स अपॉन फोर वापिस थ्री बाई टू आ गया, प्रॉपर्टी फॉलो हो गई। सेम यहां पे भी कर सकते हैं, आया समझ में? इसको क्या बोलते हैं? कॉम्पोनेंडो। ठीक है, तो डिविडेंडो क्या होता है? डिविडेंडो अगर मेरा फिर से वही a अपॉन बी बराबर क्या है सी अपॉन डी, तो ये क्या बोलता है a माइनस बी अपॉन बी बराबर क्या होगा सी माइनस डी अपॉन डी। आया समझ में? कॉम्पोनेंडो में प्लस करते हैं, डिविडेंडो में माइनस करते हैं। तो यहां पे क्या हो गया ये a, बोलो सब एक साथ, a माइनस बी अपॉन बी बराबर, ठीक है ये लिख लो। हो गया, लिख लो तो बताना। इस पे उल्टा भी कर सकते हो ना, यहां नीचे b माइनस a अपॉन दिस और यहां पे आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, जैसे इसमें किया था ना वो। मिटा दे ये, अभी हमने अलग अलग देखा कि कॉम्पोनेंडो क्या होता है, डिविडेंडो क्या होता है। अब हम ये दोनों मतलब दोनों ऑपरेशंस एक साथ भी लगा सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। देखो कैसे, देखो अगर मेरा a अपॉन बी बराबर क्या है, तो कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो डिविडेंडो के हिसाब से क्या होगा a प्लस बी अपॉन a माइनस बी बराबर क्या होगा ये। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। आया समझ में? क्या बोल रहा है, इन दोनों का सम अपॉन इन दोनों का डिफरेंस बराबर इन दोनों का सम अपॉन इन दोनों का डिफरेंस। आया समझ में? लिख लो, एक थोड़ा सा प्रैक्टिकल मीनिंग समझो। देखो दो मिनट इधर, ये याद करने की जरूरत नहीं है। देखो ये समथिंग बराबर k होगा, है ना, मतलब c भी क्या होगा d टाइम्स k होगा और a क्या होगा b टाइम्स k, तो हर जगह k k का टर्म आएगा। मतलब इन कुछ में, इन रेशियो में हम कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लायर यूज करेंगे, इसमें भी सेम मल्टीप्लायर यूज करेंगे क्योंकि ये बराबर क्या है। आया समझ में? जब हम मल्टीप्लायर यूज करेंगे तो यहां पे भी मल्टीप्लायर होगा, यहां पे भी, तो ये भी a प्लस बी भी क्या आएगा इन्हीं रेशियो में आएगा अपॉन a माइनस बी, और इनटू मल्टीप्लायर होगा, तो मल्टीप्लायर से मल्टीप्लायर कैंसिल हो जाएगा, तो अल्टीमेट रेशियो क्या बचेगा, यही बचेगा। आया समझ में? है ना, ठीक। हो गया, अब देखो जैसे अगर इसके बेस पे एप्लीकेशन आ गया है ना, एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, लिख लिया ये, इसके नीचे आप लोग एग्जांपल लिखना, इसको प्रॉपर्टी को यूज कैसे करना है। देखो जैसे मैंने ये बोल दिया x प्लस टू अपॉन x माइनस टू बराबर क्या है थ्री बाय फोर। अब देखो यहां पे क्या आ रहा है a प्लस बी, यहां पे क्या आ रहा है a माइनस बी, और ये समथिंग
के है, आया समझ में? तो कुल मिला के इससे मुझे अब डायरेक्ट रेशियो लिखना है। देखो तरीका क्या होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, है ना ये। लेकिन अभी हमने क्या देखा, कॉम्पोनेंट और डिविडेंड, इसका मतलब क्या है, अगर ए अपॉन बी बराबर क्या है, सी अपॉन डी इक्वल्स टू, अगर के है तो ए प्लस बी अपॉन बराबर क्या होगा, सी प्लस डी अपॉन ए बी बराबर क्या होंगे, ये होंगे। अब देखो यहाँ पे ए ये है बी, तो अभी हमको ये फॉर्म दिया है, इससे हमें कहाँ जाना है, उल्टा जाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ एक्स बाय टू, एक्स बाय टू बराबर क्या होगा, यहाँ पे इन दोनों का सम ये क्या होगा, 7, और यहां पे इन दोनों का माइनस मतलब 1, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, ये आंसर, ठीक। देखो पहले इस ना इसका ये समझ लो, चलो देखो, अगर मुझे इसको सॉल्व करना होता, ठीक है, तो तरीका क्या होता है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये लॉन्ग प्रोसेस है ना, एक बार करके बता देता हूं। यहां पे क्या आएगा, 4x प्लस 8 बराबर ये क्या होगा, -6, है ना। तो यहां पे 3x इधर ले जाओ, 8 उधर ले जाओ, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे अरे ये इधर आएगा x, और ये -8 और -6 मिला के क्या बना देंगे, -14 आ गया आंसर हमारा, है ना। अब देखो अभी हमने क्या पढ़ा, कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो, तो मेरे को ये दिया था ये वाला फॉर्म, ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहां से मैं, अब देखो अगर ये ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी, ठीक है, बराबर क्या है, और ये बराबर क्या है के, और ये के बराबर क्या है, ए बराबर बी सी अपॉन डी, ये हमको कॉम्पोनेंडो एंड डिवेंडो दिया है कि अगर ये बराबर दिस है तो ये भी क्या होंगे, सेम होंगे। तो यहां से हमको डायरेक्ट लिखना है, हमको ये ए और ये बी दिया है, तो हमने यहां से क्या देखा, ये ए है, ये इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये चीज बोलो हाँ या ना, कर रहा है, बोलो हाँ या ना, इस फॉर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारा ए एक्स हो गया, बी क्या हो गया, टू हो गया, यहाँ पे ए प्लस बी ए माइनस बी आ रहा है, तो यहां से हमने डायरेक्ट क्या लिखा, एक्स बाय टू, है ना, ये सब क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। अब इस ये बराबर क्या होगा, इन दोनों का सम क्या होगा, इन दोनों का सम 3 प्लस 4 यहां क्या आएगा, और इन दोनों का माइनस, 3 माइनस 4, ए माइनस बी है ना नीचे, तो 3 माइनस 4 क्या होगा, -1, आया समझ में। तो यहां से एक्स बराबर क्या आ गया, ठीक है, ऐसे डायरेक्ट करना है ये प्रॉपर्टी यूज करके, ठीक है, बोलो हाँ या ना, लिख लो। क्या -14, मतलब समझा नहीं मैं, ये हो गया 14 और ये माइनस नीचे था तो ये ऊपर आ, ये इन दोनों का डिफरेंस क्या है, 3 माइनस 4 -1 है ना, हमको यही करना है, दिस प्लस दिस, दिस माइनस दिस, मतलब इसको उल्टा नहीं कर देना, मैंने पहले कर दिया था उल्टा, ये 4 माइनस 3 है ना, अपन को यही करना है, ए माइनस बी, ए पहले लिखा है ना, ए से ही बी को घटाना है, अब वो छोटा हो बड़ा हो इससे हमको, ठीक आया समझ में, बोलो हाँ या ना, हाँ? बोलो हो गया, मिटा दूं, करो तुम लोग एक बार ट्राई, ये वाला ट्राई करो,
क्या लिखा है, x प्लस रूट थ्री अपॉन एक्स माइनस बराबर क्या होगा 2/3। करो इसको, फाइव रूट थ्री नहीं होगा, एक साइन का कुछ गड़बड़ी कर दिया, हाँ है ना, क्या बोल रही हूँ, क्वेश्चन नंबर देख ले रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 36 देखो सब। देखो क्या लिखा है, मेरे को एक बार पढ़ के बताओ, 2a प्लस हाँ मल्टीप्लाई बाय, ठीक है बराबर क्या है, हाँ ठीक है आया समझ में। अब देखो a और b वाले टर्म्स एक साइड कर लो, c और d वाले टर्म्स एक साइड कर लो, a वाले क्या हो गए 2a प्लस 3b, और ये इधर आएगा तो नीचे आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2a माइनस, ये बराबर क्या हो जाएगा, आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अब यहां से ये दिख रहा है, ये a है ये b है, तो यहां से मैं 2a अपॉन 3b निकाल सकता हूं, है ना, ये बराबर क्या हो जाएगा, इन दोनों का सम, जब इन दोनों को सम करोगे, इन दोनों को सम करोगे तो दिस प्लस दिस करोगे तो 3d और माइनस 3d कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, और जब इन दोनों को माइनस करोगे दिस माइनस दिस, है ना, दिस माइनस दिस, तो ये नीचे प्लस 3 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, आया समझ में, फिर से ये कट गए किससे 2 और 3 से, और ये 2 और 3 इन दोनों से कट गए, इसका मतलब क्या आ गया, a अपॉन b बराबर आंसर। समझा नहीं, ये बराबर ये, हाँ हाँ वो तो ठीक है, वो तो है ही, अगर इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि भैया अगर देखो यहाँ पे 2 के साथ a है, यहाँ पे भी 2 के साथ क्या है c, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है 3, तो इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा a अपॉन b बराबर, ये तो अंडरस्टैंडिंग की बात है ना, लेकिन अगर किसी को ये अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रही तो वो ये भी तो कर सकता है, कहाँ पे फोर सी अपॉन सिक्स डी कहा है, ये तो 6d बस लिखा है, प्लस कहा है, इंटू कहाँ किया मैंने, इंटू तो कहीं पे भी नहीं किया, हाँ तो यही तो करते हैं, जैसे हमने पहले भी ये जो x प्लस रूट फाइव अपॉन x माइनस रूट फाइव बराबर क्या था, तो यहाँ पे ये x अपॉन रूट फाइव क्या आया था, इन दोनों का सम, मतलब ये 5 और इन दोनों का माइनस, मतलब माइनस 1, यही तो किया, इन दोनों का सम किया, इन दोनों को जब हमने जोड़ा तो 2c क्या बन गए, अब प्लस 3d माइनस 3d कैंसिल आउट हो गए, 4c बचा, अपॉन में क्या किया दिस माइनस दिस, तो 2c माइनस दिस कैंसिल हो गया, और 3d माइनस ऑफ माइनस 3d, मतलब ये माइनस माइनस मिलके क्या बन गया, तो ये 3d प्लस 3d क्या बन गया 6d, बस कैंसिल आउट हो गए, नहीं ये यही तो है प्रॉपर्टी, यहाँ पे x अपॉन 5 कर रहे थे तो यहाँ पे 2a अपॉन 3 भी कर दे, इसको कर लो, इसको अगर 2c अपॉन करोगे तो इन दोनों को ऐड करके और डिवाइड बाय, इन दोनों को माइनस कर लो, हाँ यही तो करते हैं ना, एक साइड रेशियो का ये है, एक साइड ये है, इस साइड को हमने ये कर दिया और इसको ये कर दिया, ठीक आ गया समझ में, साइलेंट कर लो ना, बार बार बज रहा है तो, बोलो आया समझ में, मिटा दूं, चलो अगली प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी नंबर क्या थी,
छठी सातवीं लिखो। कुछ और टर्म्स होते हैं, क्या बोलते हैं, कंपाउंडेड रेशियो, है ना। एक प्रॉपर्टी नंबर अगर हमें a अपॉन b और c अपॉन d का क्या निकालना है, कंपाउंडेड ऐसा लिखा रहेगा, है ना। ये लिखा रहेगा कि आपको इसका कंपाउंडेड रेशियो निकालना है। अब कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या होता है, कंपाउंडेड रेशियो का मतलब ये होता है कि a इंटू सी अपॉन b इंटू डी। अब सपोज यहां पे एक और हो जाए e और f, तो यहां पे e और यहां पे f भी हो जाएगा। आया समझ में। तो हमें कंपाउंडेड का मतलब क्या समझना है, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को आपस में क्या करना है और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को क्या करना है। आया समझ में, इसका मतलब होता है कंपाउंडेड रेशियो। यहां पे और पूछा जाएगा तो g अपॉन h, तो यहां पे g और यहां पे h और हो जाएगा। आया समझ में। अगर इनके बीच में इक्वल अगर a b = c d तो भी, लेकिन हमारा आंसर सेम ही आएगा। तो उसमें प्लस हुआ था, इसमें कहां, हाँ अगर ये इक्वल हो गया, लेकिन अगर मुझे कंपाउंडेड रेशियो निकालना है तो तब भी मेरा क्या होगा, वो मल्टीप्लाई ही होगा। कंपाउंडेड का मतलब क्या है कि हमें मल्टीप्लाई करना है। आया समझ में। बोलो हो गया, हाँ कंपाउंडेड रेशियो का मतलब क्या समझ में आया, बोलो सब एक साथ, कि न्यूमरेटर न्यूमरेटर को। वेरी गुड। प्रॉपर्टी नंबर 8, लास्ट प्रॉपर्टी। कुछ और टर्म्स होते हैं, है ना, कुछ और टर्म्स होते हैं, क्या होते हैं। एक होता है डुप्लीकेट रेशियो, है ना, क्या होता है डुप्लीकेट रेशियो। एक होता है सब डुप्लीकेट रेशियो, एक होता है ट्रिप्लीकेट रेशियो, और एक होता है सब ट्रिप्लीकेट, और एक होता है इनवर्स रेशियो। ठीक, ये आखिरी प्रॉपर्टी है रेशियोस की, फिर हम प्रोपोर्शंस पे बढ़ेंगे। देखो अगर हमको बोला a अपॉन b एक रेशियो दिया है, क्या दिया है, a अपॉन b एक रेशियो दिया है, और हमको बोला है कि इसका क्या निकालो, डुप्लीकेट रेशियो, तो डुप्लीकेट रेशियो क्या होगा, a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। ठीक है, तो डुप्लीकेट में क्या करना है, ए स्क्वायर अपॉन मतलब स्क्वायर कर देना है, सब डुप्लीकेट में क्या करना है, रूट ओवर ए अपॉन रूट ओवर बी, है ना, मतलब कुल मिला के इसका क्या कर देना, रूट। आया समझ में, ये हो गया सब डुप्लीकेट। अब ये बताओ ये ट्रिप्लीकेट रेशियो खुद ही क्या होगा, क्यूब हो जाएगा, देखो है ना, ट्रिप्लीकेट मतलब पावर थ्री, तो यहां से क्या हो जाएगा, ए क्यूब अपॉन, इसका मतलब a अपॉन b का होल क्यूब, और सब ट्रिप्लीकेट ट्रिप्लीकेट मतलब क्यूब रूट लगा देना है ना। जब यहाँ पे सब डुप्लीकेट में स्क्वायर रूट लगा रहे थे, तो सब ट्रिप्लीकेट में क्या लगाएंगे, है ना, क्यूब रूट का सिंबल ये होता है। अब इनवर्स रेशियो, अगर a अपॉन b ये है, इनवर्स रेशियो क्या होगा, b अपॉन a, इसको उल्टा करना, इसको क्या बोलते हैं, इनवर्स रेशियो। ये टर्मिनोलॉजी समझ में आई, हाँ। लिख लो, ठीक है, है ना। अब एक एग्जांपल लिखो नीचे, ठीक है, कर दूं। अब एग्जांपल लिखो, अगर तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो क्या है, 16/25, ठीक है, अगर तुम्हारा डुप्लीकेट रेशियो क्या है,
16/25, तुम ये सारे टर्म निकालो, तुमको डुप्लीकेट रेशियो क्या दे दिया है 16/, अब तुम्हें क्या निकालना है, ओरिजिनल रेशियो निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, ठीक है, फिर क्या निकालोगे, सब डुप्लीकेट रेशियो, फिर क्या निकालोगे, ट्रिप्लीकेट रेशियो, फिर क्या निकालोगे, और फिर क्या निकालोगे, अब देखो पीछे क्या बताया मैंने, देखो यहां से को मेरे को क्या दिया है, मेरे को ओरिजिनल रेशियो नहीं दिया, क्या दिया है, डुप्लीकेट रेशियो। तो ओरिजिनल देखो ये क्या होगा, होल स्क्वायर होगा। डुप्लीकेट रेशियो का मतलब क्या होता है, रेशियो का होल स्क्वायर। तो अगर मुझे यहां से ओरिजिनल रेशियो में जाना होगा तो मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लगा दूंगा दोनों तरफ, तो 4/, ये 21 नहीं है 25 है, ये 4/5 आ गया। आ गया समझ में, अब देखो ओरिजिनल रेशियो मेरा क्या आ गया, 4/5। सब डुप्लीकेट मतलब इसका स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट मतलब 4/5, इसका मतलब 2/√5 होगा, है ना, ठीक है। फिर ट्रिप्लीकेट मतलब इसका क्यूब, मतलब 4 का क्यूब इज 64। और अच्छा एक चीज ध्यान रखना, जब कभी ये ऑपरेशन कर रहे हो स्क्वायर या वो, मान लो यहाँ पे ये आ जाता, एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या आ जाता, अब ये दोनों दो से कट रहे हैं तो इसको दो से काट मत देना, मेरा ट्रिप्लीकेट रेशियो का मतलब यही होगा, समझ गए, इसको दो लीस्ट फॉर्म में करके मत लिख देना, ये बात ध्यान रखना। यहाँ पे कट नहीं रहे थे, ये क्या है 125 है, ये 5 का मल्टीपल है, ये 4 का मल्टीपल है, इन दोनों ये कुछ कट नहीं रहे। लेकिन अगर कभी ऐसा रेशियो आ रहा है कि ओरी मतलब ये डुप्लीकेट या ट्रिप्लीकेट में कि आपस में भी कट रहे वो, है ना, कुछ उससे, लेकिन काटना नहीं, क्यों, क्योंकि ट्रिप्लीकेट का रेशियो का मतलब ही है ना ये, कि ये क्या है मतलब 64/125, है ना, या 124 अगर यहाँ पे होता तो ये दो से कट जाते, लीस्ट फॉर्म में और कैसे आता, और कट जाते, है ना, तो लीस्ट फॉर्म में कुछ और वैल्यू आती, लेकिन वो हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो नहीं होगा, हमारा ट्रिप्लीकेट रेशियो क्या होगा 64/124 ही होगा। आया ये समझ में, काटना नहीं है। फिर आगे सब ट्रिप्लीकेट मतलब इनका क्यूब रूट, इसको ऐसे ही लिखे रहने देंगे, है ना, इनवर्स क्या हो जाएगा, बस आया समझ में। मतलब कोई भी इनमें से एक चीज दी रहेगी और तुम्हें ये सब निकालने को बोलेगा, ठीक है। वैसे ये सब इतना आता नहीं है आजकल, कंपाउंडेड रेशियो और ये सब, है ना, पर फिर भी तुमको टर्म्स मालूम होने चाहिए, कल को जाके कहीं आ जाए तो तुम बोलोगे सर ने पढ़ाया ही नहीं। बोलो हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा रेशियोज की सारी प्रॉपर्टी क्या हो गई, खत्म हो गई। अब हम किस पे कहाँ से चालू करेंगे, प्रोपोर्शंस पे, है ना। सब हेडिंग डाल लो क्या, प्रोपोर्शन मतलब क्या, समानुपात। आया समझ में, नए पेज से सब हेडिंग डालो, लिखो प्रपोर्शंस या प्रपोर्शन और लिखो हिंदी में समानुपात। लिख लिया, आप सब पेन कॉपी रख दो और इधर देखो, प्रपोर्शन को हम किस साइन से डिनोट करते हैं, ये दो डॉट मतलब कुल मिला के ये चार डॉट से, है ना। तो ये अगर मैं ऐसा बोल दूं ए इज टू बी, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू क्या, सी इज टू डी। आया समझ में, इसका मतलब ये होगा कि ए अपॉन बी बराबर क्या है, आया समझ में, ये प्रोपोर्शन का मतलब होता है। मैंने बोला कि अगर ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू, तो इसका मतलब क्या होगा, ए अपॉन बी बराबर सी अपॉन डी, ये लिख लो।
ठीक, तो ये जो साइन होता है ये क्या होता है, प्रोपोर्शनल का साइन। ठीक, बोलो हाँ या ना। हाँ वो भी है, वही है, अभी बताऊंगा आगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल, है ना। अभी पहले इतना समझ में आया, अब जब प्रोपोर्शनल करते हैं तो इसमें हमको क्वेश्चंस क्या आते हैं, ये बहुत आपको देखने को मिलेगा, मतलब हर हर पेपर में आपको एसएससी के पेपर में देखने को मिलेगा कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शनल, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल, फाइंड द फर्स्ट प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो सबसे पहले हम तीन नंबर्स की बात करते हैं। सबसे पहले किसकी बात करेंगे, थ्री नंबर्स। मान लो हमको ए बी सी तीन नंबर दिए हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमको बोल दिया गया क्या, फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो। क्या निकालने को बोला, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, तो देखो हमने अभी ये बताया कि ए इज टू बी है ना, और यहां पे क्या है, और ये क्या है, प्रपोर्शनैलिटी का साइन। तो ये जो होगा ये क्या होगा, या अभी ये तीन इनको भूलो, इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट प्रपोर्शन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे प्रपोर्शन और इसको क्या बोलेंगे, आया समझ में। तो जब हमारे पास तीन नंबर्स दिए होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे बोल दिया 1, 2 एंड 3, अब सवाल आया हमको कि 1, 2, 3 का फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, क्या निकालो, तो हम क्या करेंगे, उस फर्स्ट प्रपोर्शन की जगह हम क्या रख देंगे, x। बोलो हाँ या ना। तो हमने यहां पे क्या रख दिया, x इज टू, अब सीधा बस इसको रख देना है 1, 2 और 3, तो यहां से हमारा ये आ जाएगा x अपॉन 1 बराबर क्या होगा, तो यहां से हमारा x बराबर क्या आ गया, 2/3, ये हमारा क्या होगा, फर्स्ट प्रपोर्शन। बोलो हाँ या ना, आया समझ में। हाँ, अब बोल दिया हमको इसका सेकेंड प्रपोर्शन निकालो, तो हमारा यहाँ 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ सेकेंड प्रपोर्शन ये है, इसकी जगह हम क्या रख देंगे, यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 3। हमसे बोल दिया गया क्या कि थर्ड प्रपोर्शन निकालो, आया समझ में, थर्ड प्रपोर्शन की जगह हम यहाँ क्या रख देंगे, तो यहाँ पे 1 और 2 और यहाँ पे 3। हमको बोल दिया अगर फोर्थ प्रपोर्शन निकालो, फोर्थ प्रपोर्शन मतलब कौन सी प्लेस, ये वाली, तो यहाँ क्या रख देंगे, एक्स और 1, 2, 3, आया समझ में। ऐसे निकालते हैं कब, किसके केस में, थ्री नंबर्स के केस में। बोलो हाँ या ना। ठीक है, लिख लो ये लिखो, फिर मैं इसके नीचे वो भी बता दे रहा हूं, है ना, कैसे इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ कैसे करना है। पहले ये लिख लो, ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर लो, इसको क्या बोलेंगे फर्स्ट, इसको क्या बोलेंगे सेकंड, इसको थर्ड और इसको फोर्थ। कुल मिला के हमारे पास अल्टीमेटली प्रपोर्शनल अगर हम और मिला लें तो हमारे पास चार नंबर बनते हैं, लेकिन एग्जाम में आपको तीन नंबर दिए रहेंगे, और उसमें से फिर कोई एक बोलेगा कि फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, सेकंड निकालो, आया समझ में, लिख लो। बोलो भाई हो गया, ठीक है, चलो। अब एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल है ना, हम नंबर्स ले लेते हैं क्या, 2, 3 एंड 5, क्या नंबर्स ले लिए हमने, 2, 3 एंड 5। सबसे पहले हमने निकाला फर्स्ट प्रोपोर्शनल, क्या निकाला, यहां पे हम क्या करेंगे, इस नंबर्स को हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रोपोर्शन मतलब सबसे पहला, तो हमने उसको क्या रख दिया, x, फिर क्या कर दिया, और फिर क्या कर दिया, तो यहां से हमारा क्या आ गया, 5x = 6, इसका मतलब यहाँ पे x बराबर 6/5। नहीं हाँ, मतलब ध्यान में तो रखना ही है ना, मतलब कॉम्पोनेंट और डिवेंड, ये समझ में आया कैसे कर दिया मैंने, देखो ऐसे किया, ये x/2 =
ठीक है। तो जब ये चीज करते हो तो एक चीज देखो, ये 5 किससे मल्टीप्लाई होता है और ये किससे होता है, इससे। तो अगर इसको जनरलाइज करो तो ये x मतलब एक्सट्रीम किससे मल्टीप्लाई होगा और बीच के बचे दो ये किससे मल्टीप्लाई होंगे। तो अब इसको डायरेक्ट लिखना, कैसे लिखना, यहां से 5 इंटू एक्स बराबर क्या और 2 इंटू 3 बराबर इसका मतलब x बराबर, ये हमारा क्या आ गया फर्स्ट प्रपोर्शन। हमने लिखा सेकेंड, है ना, क्या किया सेकेंड। अब सेकेंड की जगह हम यहां x रख देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2x, यहां पे 3 और 5। फिर देखो यहां पे 2 इंटू 5 क्या हो गया और यहां पे बराबर, तो x बराबर यहां से क्या आ गया 10/3। बोलो हां समझ में आया। हमने लिखा थर्ड प्रोपोर्शनल, किसका निकालो इन्हीं नंबर्स का, तो थर्ड में हम कहां रखेंगे, इसकी जगह x रख देंगे, है ना। तो 2 बोलो हाँ, फिर 3 फिर क्या x और यहां पे 5। फिर से देखो 10 बराबर 3x, तो यहां से x बराबर क्या आ गया, ठीक है बोलो हाँ। हमने लिखा क्या फोर्थ की जगह हम यहां पे क्या रख देंगे x, तो 2 3 और यहां पे 5 और x, तो यहां से बराबर क्या 2x बराबर 15। तो यहां से x बराबर क्या आ गया, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, है ना, आया समझ में। आप कभी कंफ्यूज हो गए, चलो क्वेश्चन नंबर 10 खोलो पीडीएफ में सब लोग। क्वेश्चन नंबर 10, दसवां क्वेश्चन क्या है, 144 क्या क्या है, फिर उसके बाद 182, हाँ, और फिर 200, अपन 192 लेके करते हैं, ठीक है, हाँ चलो ये आया समझ में। और हमको क्या बोला है फोर्थ प्रोपोर्शनल निकालो, तो हम यहाँ पे हमने लिख दिया 144 इज टू 144, है ना, यही निकालना था। तो यहां से हमारा क्या हो गया 144x बराबर, आया समझ में, किससे काट देंगे हम ये किससे कट जाएगा, ये 12 से कट जाएगा, 4 से कट जाएगा, लेकिन और बड़ा नंबर सोचो, ये 12 से कट गया, इन दोनों में से 12 से, देखो 12 से डिविजिबिलिटी के लिए हम 3 और 4 से देख लो, आया समझ में। तो देखो यहां पे ये 3 से है क्या, 9 और 1 3, 10 और 1 12, 3 से 4 से 92, 92 4 से होता है, बिल्कुल होता है, मतलब ये हमारा 12 से कट जाएगा, कैसे कटेगा 12 एकम 12, बचा कितना 82, कितना 2 मिनट 92 94 चल नहीं 80, हाँ 2 मिनट 12 एकम 12, यहाँ पे क्या बचेगा 72 और 12 से कट गया, और ये कितने टाइम्स गया 12। अब इसको और देख लो 12 से कटेगा क्या, देखो यहाँ पे ये 3 का मल्टीपल है, 4 का भी है, 4 का मल्टीपल के लिए आखिरी के दो डिजिट क्या होने चाहिए, डिविजिबल बाय 4 हो, यहाँ पे 16 है बिल्कुल, तो ये भी कट जाएगा, इसको काटो 12 एकम 12, यहाँ पे क्या बचेगा 96 और 12 इंटू 8, आया समझ में। तो हमारा x बराबर क्या आ गया 16 इंटू 18। अब इसको सोचना कैसे, 16 को सोचना है 17 माइनस 1 और इसको क्या सोचना है, कुल मिला के ये क्या हो गया 17 का स्क्वायर क्या होता है 289, उसमें से 1 माइनस कर दो आंसर, ऑप्शन नंबर आ गया समझ में।
कौन सा, ये वाला? नहीं, ये तो इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन का ट्रिक है। देखो 17 इसके बाद है और इसके पहले है समझ में? तो अगर मैं इसको a माइनस बी और a प्लस बी के फॉर्म में बना लूँ तो मेरी फाइनल आइडेंटिटी क्या बन जाएगी? तो ये मैंने कैलकुलेशन आसान करने के लिए इसको ऐसा करा। आया समझ में? आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ठीक है? देखो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करोगे, पहले 18 का 10 गुना करो, कितना हुआ 180। फिर 18 का 6 गुना करना है, पहले 18 का 2 गुना करो, 18 दूनी 36, और 36 से अब 3 गुना कर दो क्योंकि हमें 6 गुना जाना था, पहले हम 2 गुना जा चुके हैं, अब हम क्या चले जाएंगे 3 गुना। तो 36 का 3 गुना क्या होगा 108, 3 गुना 36 का। देखो हमको ये करना था 16 × 18, बोलो हाँ या ना? तो सबसे पहले हमने इसको ऐसे तोड़ा, ठीक, तो 18 और ये कितना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब यहां पे अगर हमें टेबल याद है, टेबल याद होनी चाहिए, ठीक है, यहां पे ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा 108 अगर हमें टेबल याद होगी। तो टेबल याद नहीं है तो क्या करना है, इसको पहले 10 से करो 60 हो गया, और इसको 8 से करो कितना हो गया 6 × 8 = 48, तो 60 + 48 कितना हो गया, ऐड कर दो आंसर। इसलिए टेबल्स याद कर लो, बोलो कहां तक याद करोगे, कम से कम 20 तक की टेबल सारी याद कर लेना, ठीक है। क्यूब और वो याद हो गए, यहां पे 17 का कोई बता नहीं पाया था स्क्वायर, बोलो समझा? तुम लोग ना 5 मिनट रोज ये एक्सरसाइज को दिया करो, जैसे जब पढ़ने बैठ रहे हो, पढ़ने बैठने से 5 मिनट क्या किया करो, ये एक्सरसाइज किया करो। कोई भी दो रैंडम नंबर्स करो और उनका एडिशन करो, कोई भी नंबर्स करो उनका मल्टीप्लिकेशन करो, इससे तुम्हारा कैलकुलेशन क्या होगा, ये 5 मिनट पढ़ने से पहले किया करो, उसके बाद पढ़ाई चालू किया करो, ठीक है। तुम लोग मोबाइल वोबाइल तो नहीं देखते बीच में पढ़ते समय? पक्का कितनी देर? देखो एक थ्योरी होती है डू इट वंस वाली, है ना, वो की ये कहती है कि अगर आप कोई एक काम उठा रहे हो, ठीक है, तो उसको एक बार में खत्म करो, ठीक है। अगर आपने बीच में वो काम करते करते एक सेकंड के लिए भी आपने अपना फोन का नोटिफिकेशन देख लिया, ठीक है, तो आपको वही कंसंट्रेशन फिर डेवलप करने में 45 मिनट्स लगेंगे, और उस 45 मिनट्स के दौरान आप एक ऐसा काम करोगे जो एक 4 साल का बच्चा, मतलब उस लेवल के कंसंट्रेशन के हिसाब से, उस हिसाब से मतलब आपका 1/4 हो जाएगा कंसंट्रेशन लेवल्स, मतलब आप सिर्फ अपनी 25% कंसंट्रेशन से आप काम कर पाओगे, या 25% दिमाग यूज करके कर पाओगे, हाँ है ना। ठीक है, तो मतलब अगर पढ़ रहे हो तो सिर्फ पढ़ाई करो, फिर जब वो मतलब पढ़ने से पहले वो एम बनाओ कि मुझे ये खत्म करना है, हमने ये खत्म कर लिया, उसके बाद हमको जो करना है वो हम कर लेंगे, ठीक है। चलो ये आ गया समझ में, ठीक है। अब आते हैं, अगर मेरे पास सिर्फ 2 नंबर दिए होंगे, ठीक है, क्या दिए होंगे, अभी हमने देखा कि अगर हमने फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ प्रोपोर्शन निकालना था तो हमने क्या किया कि हमने उसको, हमने अभी 3 नंबर्स थे बेसिकली, है ना, तो हमने उसमें 4 थे, हमको 3 दिए थे, एक और निकालना था। अब मान लो हमें कितने नंबर्स दिए हों, सिर्फ 2 ही नंबर दिए हों। हाँ जी रुको मैं दे देता हूँ, ठीक है, 2 ही नंबर्स दिए हों, जैसे हमको क्या दे दिए हों, 3 और 5, ठीक है, क्या दे दिए हों, 3 और 5। तो देखो अभी भी ये हमारा ए हो गया, ये हमारा
बी हो गया, बोलो हाँ या ना। अब हमको एक इसका या तो थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना पड़ेगा, या फर्स्ट प्रोपोर्शन निकालना पड़ेगा, या फिर क्या निकालना पड़ेगा, मीन प्रोपोर्शन। इसमें सेकेंड और फोर्थ प्रोपोर्शन जैसा कुछ नहीं होता, आया समझ में? तो इसको देखो, अगर मैं इसको लिखूं ए इज टू बी, है ना, तो यही बी को हम यहाँ पे रिपीट कर देते हैं, आया समझ में? क्योंकि हमें अल्टीमेटली बनाने कितने, और यहाँ पे हमने सी कर दिया, आया समझ में? तो देखो ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ये दोनों मिलके हमारे क्या बना देंगे, मीन, ठीक है, मीन प्रपो, अभी हम देखेंगे, ठीक है। और ये हमारा क्या बनेगा, थर्ड प्रपोर्शन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीन प्रपोर्शन क्या होता है। बेसिकली देखो, अगर मैं इसी फॉर्म को करूं तो ये क्या हो जाएगा, ए अपॉन बी बराबर बी अपॉन सी। तो हमने क्या बोला कि मीन प्रपोर्शन क्या होता है, बी होता है ना, तो हमने बी को यहीं पे रिपीट कर दिया, तो ये हमारा फॉर्म बन गया। अब जब हमारा ये हो गया तो यहां से ए इंटू सी बराबर क्या आ गया, बी स्क्वायर। तो यहां से हमारा बी बराबर क्या आ गया, रूट ओवर ए सी। तो ये जो बी बराबर है ना, यही हमारा क्या होगा, मीन प्रपोर्शन, आया समझ में? तो हमें क्या करना है, जब भी अगर हमें ऐसे नंबर दिए जाए और हमको क्या बोले कि मीन, दो मिनट हाँ, मैं इसको कुछ एक वो कर देता हूं। ये मैंने क्या किया, 9 और 4, ठीक है, आया समझ में? मैंने नंबर चेंज कर दिए, कैलकुलेशन में आसानी हो, 9 और 4। और मैंने क्या बोला कि मीन प्रपोर्शन निकालो किसका, 9 और 4 का। तो 9 4 को क्या करोगे, मल्टीप्लाई, और उसका स्क्वायर रूट ले लोगे, ठीक है। तो 9 × 4 क्या होगा, और बोलो, तो कुल मिला के ये कितना आ गया आंसर, बोलो हाँ या ना, ठीक है, लिख लो। ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई, इसमें सेकेंड प्रपोर्शन और फोर्थ प्रपोर्शन जैसा कुछ नहीं होता, आया समझ में? क्योंकि ये दोनों में ये क्या हो जाएंगे, ये मीन प्रपोर्शन, आया समझ में? तुम लोगों ने कभी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सुना है कुछ, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जीपी सुना है? ये बेसिकली वही है, जीपी, आया समझ में? अभी अपन पढ़ेंगे आगे, ये सब भी पढ़ेंगे, है ना, जिनने नहीं सुना है तो वो टेंशन नहीं ले, अपन ये सब पढ़ेंगे अभी आगे। जनरली ये सब 11 12th में जो मैथ साइंस लेते हैं उन लोगों को पढ़ना पड़ता है ना, एपी जीपी। हाँ, मीन प्रपोर्शन समझ में आ गया, बोलो हाँ या ना। आप मेरे को बोल दे कि इसी का फर्स्ट प्रपोर्शन निकालो, तो यहाँ पे क्या रख दोगे, x, यहाँ पे रखोगे 9 और 9 और यहाँ पे 4, यहाँ रख दोगे x, देखो इधर सब, अगर फर्स्ट प्रपोर्शन निकालने को बोला तो यहाँ क्या रख दोगे, यहाँ रखोगे 9, यहाँ रखोगे 9 और यहाँ क्या रख दोगे, अगर मेरे को बोला थर्ड प्रपोर्शन तो यहाँ रख दोगे x, यहाँ रख दोगे 9 और यहाँ पे 4 और यहाँ पे, बोलो हाँ या ना। थर्ड वाला निकालना था, थर्ड की जगह हमने x रख दिया, अब हमारे a और b क्या हो गए, ये, तो यहाँ हमने 9 रख दिया, यहाँ 4 और यहाँ 4। और अगर हमें फर्स्ट बोला तो यहाँ x रख दिया और ये हमारा अब a हो गया, तो यहाँ 9 और यहाँ 9 और यहाँ क्या बन गया, 4। सेकेंड होता ही नहीं है ना, यही तो बता रहा हूँ मैं, सेकेंड और फोर्थ प्रपोर्शन होता नहीं है, इसमें क्या होता है, सेकेंड की जगह मीन प्रपोर्शन, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई और अंडर रूट। हाँ हाँ लिखो, ठीक है, लिखो कि इन केस ऑफ टू नंबर्स देयर इज नो, दो नंबर्स के केस में, इन केस ऑफ दो नंबर्स देयर इज नो सेकेंड प्रपोर्शन एंड फोर्थ, देयर इज नो सेकेंड एंड फोर्थ प्रपोर्शन। इन केस ऑफ टू नंबर्स लिख लिया, there is no second and fourth proportion, बोलो बात समझ में आई, ठीक है, चलो।
अब हम फिर से ये सबके हम क्या निकाल लेते, 9 और 4 के मीन प्रोपोर्शन, फर्स्ट प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। चलो सबसे पहले हमने क्या निकाला, फर्स्ट प्रोपोर्शन, ठीक है, क्या निकाला, तो हमारा फॉर्मेट क्या होता है, ये होता है फर्स्ट की जगह हमने क्या रख दिया, यहां पे क्या रख दिया और यहां क्या रख दिया 4, तो हमारा यहां से 4x बराबर 9 स्क्वायर मतलब 81 आ गया, तो x बराबर क्या आ गया, ठीक है यहां लिख देता हूं, यहां से x बराबर क्या आ गया 81/4। फिर हम क्या निकालेंगे, MP, है ना, मीन प्रोपोर्शन, आया समझ में, तो MP की जगह हमने यहां पे ये हमको क्या दिया था 9, हमको ये निकालना था मीन, मतलब इसकी जगह हम क्या रख देंगे और यहां पे क्या रखेंगे 4, ठीक है, तो मतलब यहां से क्या हो गया, दिस इंटू 4 क्या होगा, ये बराबर ही क्या होगा x इंटू x, तो यहां से x बराबर क्या आ गया, ये हमारा क्या हो गया x इंटू x, अच्छा 2 इंटू 2 और 2 प्लस सॉरी ऐसा करो 3 इंटू 3 और 3 प्लस 3 क्या होता है, 3 प्लस 3 और 3 इंटू 3, तो यहाँ पे x इंटू x, एक्स स्क्वायर और x प्लस x 2x होगा, इसलिए x इंटू x 2x नहीं होता, ठीक, MP हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, ये हमारा थर्ड होता है, इसकी जगह क्या रख देंगे, तो यहाँ से हमारा देखो 9 4, तो देखो 9x बराबर क्या आएगा, तो यहां से x बराबर क्या आ गया, आंसर कट वैसे होगा नहीं लेकिन नहीं करेंगे, ठीक है, आया सबको समझ में, चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। चलो सबसे पहले फर्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पीडीएफ का हो गया, सेकंड वाला कैसे किया, अच्छा अभी किया, ठीक है, पढ़ो एक बार क्वेश्चन, हाँ पहला वाला कर रहे हो ना, 39 117 17, तो देखो क्या है क्वेश्चन, ये दिया है 39 117 और 17 और एक नंबर है वाई, ये सब क्या है प्रपोर्शन में है ना, किसमें है समानुपात में, तो हमें वाई निकालना है। अब समानुपात में इसका मतलब क्या होगा, 39:117 बराबर क्या होगा, नहीं दिया है ना क्वेश्चन में, पढ़ो, अच्छा हिंदी वाले में नहीं दिया, इंग्लिश वाले में देखो, ठीक है, तो बस इसको सॉल्व करना है, हाँ ये देखो ये कितने टाइम्स कट जाएगा बताओ, 39 × 3 है ना, 117 होता है, ठीक है आया समझ में, तो यहां से कुल मिला के ये बचा 1 इंटू वाई बराबर क्या 3 × 17, ये कितना हो जाएगा 30 और 21 आंसर, बोलो हाँ या ना, ठीक है जिनका हो गया सेकंड वाला वो एट्थ पे आ जाओ, मीन प्रोपोर्शन किसका निकालना है, 7 और 100, ठीक है यही करना है, बोलो हाँ या ना, बोलो बोलो भाई कुछ तो बोलो, ठीक है यही करना है ना, यही दो नंबर्स दिए, अब इसको मुझे ऐसे तोड़ना है कि इसका या तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है क्या आएगा, 7 × 110 770 होगा और 7 × 2 = 14, मतलब ये हमारा क्या आ जाएगा 780, आया समझ में,
अब इसका स्क्वायर रूट ले लो, किसका होता ही है? पीछे पलटा के देखो क्या करवाया है मीन प्रपोर्शन में। इसका आंसर बताओ क्या आएगा, किसका होता है ये? ठीक है, आंसर आ गया कितना 28। एट्थ वाला क्या दिया है? थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ एक्स, हाँ इसका मुझे x माइनस वाई, अच्छा हाँ ठीक है, ये होगा x माइनस वाई होगा। इसका मुझे क्या निकालना है? थर्ड प्रोपोर्शनल। थर्ड प्रोपोर्शनल मतलब कितने नंबर है हमारे पास? दो नंबर्स हैं, है ना। थर्ड प्रोपोर्शन के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ a b, ये b और यहाँ पे c, बोलो हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ए की जगह क्या रख देंगे, ठीक है टू, बी की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे, और यहाँ पे हमको निकालना है, हम इसको जेड के बोल देते हैं ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स एक्स से कंफ्यूज ना हो। तो देखो अब यहाँ पे हमारा ये हो रहा है बेसिकली के इंटू बराबर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, आया समझ में। अब ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ के इंटू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, बोलो हाँ। ये कट गया एक पावर से, तो हमारा के बराबर क्या आ गया, एक्स माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई आंसर, ठीक यही आया आपका भी। किसको काट दिया था? ये वाला काट दिया था, यहां से x प्लस वाई बचा, हाँ वही किया है, किया तो वही है। चलो 17वां करो, नहीं 13th करो, पहले 35 स्क्वायर बाय 25 होगा, है ना, 35 स्क्वायर बाय 25। अब इसको कैसे निकालेंगे, कुल मिला के 35 × 35 है, पांच से काट दो, 7 × 7 कितना बचा आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ, सेवेंटीन में क्या बोला है, 8, 12 और 14 क्या है इसका क्या निकालना है, करो तुम लोग निकालो। हाँ ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल समझ में आ गया, कैसे करना है ये समझ में आ गया। हाँ क्या, चलो ये इसको पहले मैं तुमको, जैसे अभी मैंने पुराना वाला सवाल कराया था ना जब मीन प्रपोर्शन उसमें 1/36 में, उस समय बताने वाला था लेकिन भूल गया। मैंने ये बोला था अगर तुम्हारा एमपी मतलब बेसिकली मैंने तुम्हें नंबर क्या क्या दिए थे, 9 और 4, और मैंने क्या बोला था 9 मीन प्रपोर्शन निकालो, है ना, तो मेरा क्या आया था 36 का अंडर रूट मतलब 6। अब सवाल ऐसा भी आ सकता है कि अगर आपको मीन प्रपोर्शन क्या दिया है 6, तो हाउ मैनी पॉसिबल नंबर्स ऑफ ए एंड बी आर देयर, मतलब ये ए और बी हमारे नंबर थे, अगर मीन प्रपोर्शन हमारा क्या है 6 है, तो अगर हमको ये मालूम है मीन प्रपोर्शन क्या होता है बी, है ना, जो बीच वाला नंबर होता है, तो अगर हम उसको स्क्वायर कर देंगे
है ना, स्क्वायर कर देंगे तो ये कितना जाएगा 36, और ये बराबर क्या होगा a इंटू सी के बराबर होगा, है ना, यही हमारे a और c है। अब इसको हमें पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a और c निकालना है, तो क्या क्या हो सकता है, देखो यहाँ से एक तो क्या हो जाए 36 इंटू एक हो जाए, ये पॉसिबल है, यहाँ पे 6 इंटू 6 हो जाए पॉसिबल है, यहाँ पे 9 इंटू 4 हो जाए पॉसिबल है, यहाँ पे 4 इंटू 9 हो जाए पॉसिबल है, यहाँ पे 12 इंटू 3 हो जाए पॉसिबल है, यहाँ पे 3 इंटू 12 हो जाए पॉसिबल है, ऐसे बहुत सारे केसेस, और कोई केसेस बनेगा क्या, 2 इंटू 13 हो जाए या 13 इंटू 2 हो जाए, है ना, या फिर इसके अलावा और क्या, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 से होगा 6, है ना, और कोई 7 के टेबल इसके बाद आएगा नहीं, उसके बाद क्या होगा, आया समझ में, ठीक है। तो कितने पॉसिबल वैल्यूज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब इस सवाल को देखो, मेरा क्या है बी, अगर मेरा ये दिया है क्वेश्चन में, ये दिया है, अगर ये फंक्शन फॉलो कर रहा है और मेरा बी बराबर क्या है, तो मेरे ए और सी के कितने पेयर पॉसिबल हो सकते हैं। अब देखो फिर से वही, अगर मुझे बी ये दिया है तो सबसे पहले क्या निकालूंगा, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या होगा 96 का स्क्वायर। अब देखो 100 से 5 जो नंबर है उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 100 से कितना कम है, तो हमने यहाँ पे 4 का स्क्वायर कर दिया कितना, और इसमें से 4 घटा दो, 96 में से 4 घटाओ, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसके पॉसिबल नंबर अब वो देख लो कितने होंगे, अब मतलब इसको फैक्टराइज कर लो बेसिकली, है ना, अरे भाई नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बेसिकली इसके, है ना, इसका मतलब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने, ठीक है। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स के लिए मैंने क्या बताया था, क्या पहली क्लास याद करो जब हम वो पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, देखो इससे समझो, मैं इस वाले एग्जाम्पल, यहाँ हमारे 8 आए थे, देखो मैं इसको फॉर्मूले से कैसे करना, हम पहले इसको ये 36 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, प्राइम फैक्टराइज मतलब हम ऐसे नंबर्स में ब्रेक डाउन करेंगे जब नंबर प्राइम नंबर्स आए, ठीक है। तो ये 36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 इंटू 6 लिख सकता हूँ, या फिर 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, सॉरी हाँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर कर सकता हूँ। देखो इसके बाद और ये ब्रेक होगा क्या, बोलो हाँ या ना, और ब्रेक हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, ये 2 हमारा प्राइम नंबर आ गया, 3 हमारा। अब नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये 2 में 1 जोड़ो, ये क्या आएगा 3, है ना, और यहाँ पे 2 में 1 जोड़ो, ये आएगा 3, मतलब ये कितना आएगा 9, टोटल 9 फैक्टर्स होंगे। हम एक चीज़ कहीं भूल गए होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं, 36 को हम कैसे कैसे कर सकते हैं, 1 into 36 या 36 into 1 कर सकते हैं, या हम 2 into 13 कर सकते हैं, या फिर 13 into 2 कर सकते हैं, या हम 3 into 12 कर सकते हैं, या फिर है ना, या फिर हम 4 into 9 कर सकते हैं, या फिर 9 into 4। अरे तो 18 तो हो जाएगा, आप खुश, ठीक है। देखो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके बाद और क्या होगा, 6 into 6 हो गए 9, यहां से भी आए 9, है ना, इतने इसको हम इतने फैक्टराइज, इतने फैक्टर्स इसके आएंगे किसके, 36 के। तो उसको निकालने का डायरेक्ट तरीका क्या होता है, हम इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में ब्रेक करेंगे, क्या होगा 2 into 3, 2 square into 3 square। अब ये जो पावर है इसमें 1 ऐड करेंगे, क्या आया यहाँ पे पावर क्या है 2, इसमें 1 ऐड करेंगे मतलब 3 into 3 मतलब 9। अब इसको करते हैं, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन में करने के लिए इसको काटो, ये 2 से जाएगा कितना, 2 4 जा ये गया, 2 6 जा 12 और 0 8, फिर 2 से काटो 2 3 0 4, फिर काटो 1 1 7, ठीक है। अब ये किससे जाएगा, वन यहाँ 13 आएगा, सॉरी 1 है ना, यहाँ पे 1, यहाँ पे बचा क्या 10, ये 5 और 2, हाँ ठीक है। अब फिर किससे चला जाएगा,
ये बड़ा हो रहा है, कितना आएगा? 576। ठीक है, अब देखो 576 का होता है 24 का स्क्वायर होता है ना, मतलब ये 24 बार और यहाँ से जाएगा, है ना। तो मैं इसको एक काम करता हूँ, ये कितने पावर हो गए? 4, मतलब इसको मैंने लिख दिया 2 की पावर 4 इंटू 24 स्क्वायर, क्योंकि 576 क्या होता है ना। अब 24 को मैं कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ 6 × 4 में, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब ये जो 6 है इसको भी मैं क्या कर सकता हूँ 2 × 3 में, है ना। और ये जो 4 है इसको क्या कर सकता हूँ 2 स्क्वायर में, और इसका क्या होगा होल स्क्वायर, और एक 2 की पावर 4 ऑलरेडी था, है ना। अब देखो यहाँ से 2 स्क्वायर और 2 की पावर 4 कितने बन गए, ये इसको ऐसा कर दो, चलो 4 है ना, ये 4 और ये स्क्वायर और ये ऑलरेडी था इंटू 3 स्क्वायर। अब देखो जब हमारे बेस सेम होते हैं तो पावर ऐड हो जाती है, तो यहाँ पे क्या होगा 2 की पावर 10 इंटू, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा 2 की पावर 10 इंटू 3 स्क्वायर। अब इसको अगर हमें नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने होंगे तो 10 में एक जोड़ो 11 और इसमें एक जोड़ो, मतलब आंसर क्या, आंसर ठीक है कितने होंगे, अरे यार इतनी मेहनत करने की जरूरत ही नहीं थी। ऑप्शंस तो देखो क्या दिया है, ऑप्शन दिया है कि कौन कौन से तुम्हारे पॉसिबल पेयर हो सकते हैं, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो 96 का स्क्वायर किस में आ रहा है, समझे कि नहीं समझे। भाई तुमको बी अगर ये दिया है 96, तो कुल मिला के बी स्क्वायर बराबर क्या हो गया 9216। अब तुम्हें ए और ये बी स्क्वायर बराबर क्या होगा ए इंटू सी होगा, होगा। अब ए और सी की वैल्यू दी है इसमें, अब देखो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, मेरे को यूनिट डिजिट क्या चाहिए 6। ऑप्शन नंबर ए में देखो 4 × 4 6 बना रहा है, ऑप्शन नंबर बी में भी 6 बना रहा है, ऑप्शन नंबर सी 6 × 4 बना रहा है, मतलब ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी क्या होगा 6 बना रहा है ना। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी एलिमिनेट हो गया, बोलो हाँ या ना, बोलो ठीक है। अब 374 × 24 करना है, और यहाँ पे 228 × 32 करना है, और यहाँ पे 586 × 16 करना है, और हमें कहाँ पहुँचना है 9216 पे, इसको तो कर ही लो है ना, एक करके देख लो किस में आ रहा है ना, आया समझ में। ये सब करने की जरूरत ही नहीं थी यार, ये हमने जबरदस्ती कर दिया, पर ये नंबर ऑफ पैटर्न ऑफ क्वेश्चन समझ में आया ना कि कैसे बन सकते हैं, कि हमको एमपी दे देगा और बोलेगा हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ नंबर्स आर पॉसिबल। तो हमने जैसे यहाँ पे 6 में 9 निकाली थी, इसमें कितने थे टोटल 33, लेकिन हमको सवाल में ही नहीं पूछा था, हमको ये बोला था अगर बी बराबर दिस बी स्क्वायर बराबर दिस है तो ए और सी क्या क्या हो सकते हैं, तो ऑप्शन है उसके हिसाब से कर लो, है ना। ठीक है, बोलो हाँ या ना। अब इसमें एक टाइप का और सवाल बनता है, क्वेश्चन नंबर ये पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 24 पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 24। ये जो प्रपोर्शंस है ना, ये जो अभी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, इसमें एक टाइप का सवाल बहुत आता है, ये हाँ ठीक है, हमको नंबर दिए हैं क्या 2 और 3 है ना, तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको क्या निकालना है, थर्ड प्रपोर्शन क्या होना चाहिए 4 है ना, बोलो हाँ या ना। तो अगर हमको ये देखो ये दिया है, इसका मतलब ये यहाँ पे क्या होगा यही दिया होगा, और ये x की वैल्यू हमें क्या दी है 4, लेकिन x की वैल्यू 4 कब दी है, जब हम ये 2 और 3 में से कुछ कुछ घटाएंगे, बोलो हाँ या ना।
इसका मतलब हम यहां पे क्या घटाएंगे, समथिंग के घटाएंगे, और यहां पे भी क्या घटाएंगे, तो यहां पे ये बराबर क्या हो जाएगा, 3 माइनस के अपॉन, अब ये क्या हो गया थर्ड प्रोपोर्शन 4। आया सवाल समझ में? क्वेश्चन ने ये बोला दो और तीन में से ऐसी कौन सी संख्या घटाए, ऐसी कौन सी संख्या घटाए कि हमारा फोर्थ प्रोपोर्शन क्या आ जाए। आया समझ में? यही हमने इसको इक्वेशन के फॉर्म में कर दिया। अब इसको या तो सॉल्व कर लो, ठीक है, यहां से ये गया कितना 8 माइनस 4k और ये क्या बनेगा 9, मतलब 3 माइनस के का स्क्वायर, तो कुल मिला के 9 प्लस के स्क्वायर माइनस 6k। आया समझ में? तो यहां से देखो इसको फिर से कर लो, यहाँ के स्क्वायर ये उस साइड जाएगा तो माइनस 2k है ना, और यहाँ पे 9 माइनस 8 क्या बनेगा प्लस 1 बराबर 0। ये हमारी क्या बन गई क्वाड्रेटिक। अब देखो देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, है ना। अब देखो a हमारा क्या है 3 और ये हमारा है k, a स्क्वायर मतलब k स्क्वायर मतलब बी स्क्वायर मतलब, है ना, माइनस 2 इंटू 3 इंटू के, तो 2 इंटू 3 इंटू के 6k बना दिया, ठीक है। तो हमारी फाइनल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बन गई ये। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, इसको हम फैक्टराइज करते हैं। फैक्टराइज ऐसे करते हैं कि जब हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स करें, मतलब ये करें, तो यहाँ पे क्या है 1 इंटू 1, मतलब क्या है के स्क्वायर आए, 1 इंटू के स्क्वायर कितना है, प्रोडक्ट हमारा क्या है के स्क्वायर, और हमारा सम बराबर क्या है माइनस 2k। तो हम इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं, माइनस 1k माइनस 1k, है ना। तो हमारा प्रोडक्ट क्या आ जाएगा प्लस के स्क्वायर, माइनस के और माइनस के मिलके क्या बनाएंगे प्लस के स्क्वायर, और माइनस के और माइनस के सम में क्या बनाएंगे माइनस 2k। आया समझ में? तो इसको डायरेक्ट सॉल्व करने का तरीका ये होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जब हमने फैक्टराइज किया तो हमने क्या किया माइनस के और माइनस के आया, आया हमारा, है ना। तो देखो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा के स्क्वायर आ रहा है, वही हमें प्रोडक्ट रिक्वायर्ड था, और जब सम करेंगे तो माइनस 2k आ रहा है, वही हमारा सम रिक्वायर्ड था। अब इसके बस साइन चेंज कर दो, माइनस के मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस के, अरे वैसे इतनी पंचायत करने की जरूरत नहीं, हमको के निकालना है ना। तो ये बेसिकली क्या है, के माइनस 1 का होल स्क्वायर है, बोलो हाँ या ना। तो के बराबर क्या है, एट्टी, हाँ के ये है ना, इतनी पंचायत करने की जरूरत ही नहीं है, ये तो साफ दिख रहा है। तो यहाँ से k बराबर क्या गया 1, आ गया समझ में। तो हमें क्या माइनस करना पड़ेगा 1 और 1, ठीक है, आया समझ में। अब इसका किसको वो करने की जरूरत नहीं है ना, वो मतलब नहीं सॉल्व कर पाएंगे फिर हम, हमको ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी ही पड़ेगी, आया समझ में, है ना। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व मतलब वैसे भी हम कर सकते हैं, देखो हमने क्या बताया प्रोडक्ट हमको क्या चाहिए था के स्क्वायर, और यहाँ पे हमें क्या चाहिए था 2k, कुल मिला के हमने माइनस वन में ब्रेक डाउन किया, बस हमने इसके साइन चेंज कर दिए, प्लस वन देखो यही आ गया, करते वैसे ही है ना, ठीक है। चलो ये समझ में आया ये कैसे करना है, अब तुम लोग क्या करना, ये पीडीएफ पूरी करना, जहां पे भी ये प्रोपोर्शनल थर्ड प्रोपोर्शनल सब्ट्रैक्टेड और ये और वो, ठीक है, ये करके आना।